हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। दैट मीन कि हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, पैकिंग बोलते हैं। उसको पैक करते हैं वन डायमेंशन में, टू डायमेंशन में, थ्री डायमेंशन में। हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड देयर कोऑर्डिनेशन नंबर, नाउ लेट्स बी सी हियर कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है और कैसे हम पार्टिकल्स को यहाँ पे अरेंज करने वाले हैं। तो लेट्स बी सी हियर कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट मीन द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, तो सीधी सी बात है कि कोऑर्डिनेशन नंबर नेबरिंग एटम, उसके बगल में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं और उस एटम को क्या कर रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं सेंट्रल एटम को, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उस एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। दैट मीन कि द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, नियरेस्ट नेबर का मीनिंग क्या है, टचिंग एटम टू एनी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड देयर कोऑर्डिनेशन नंबर। कि द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इन विच वी हैव टू कैलकुलेटेड वेयर क्रिस्टल आर अरेंज एंड इन सिस्टमैटिक मैनर विद देयर स्ट्रक्चर्स। नाउ वन डायमेंशन जो इसके पैकिंग एफिशिएंसी के, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, तो कैसे हम पैक करते हैं, लेट्स वी सी हियर। तो सबसे पहले जो इसका टाइप है वो वन डायमेंशन देख लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वन डायमेंशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वे क्या होते हैं, एक ही साइड में अरेन्ज किए होते हैं। दैट मीन कि इन विच वन वे इन विच स्पीयर कैन बी अरेन्ज वन डायमेंशन, दैट इज क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, अगर इस टाइप का हमने पैकिंग करी हुई है, अरेन्ज किया हुआ है जो हमारा स्पीयर है, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। दैट मीन कि इस स्ट्रक्चर का क्या नाम हो जाएगा, क्लोज्ड वन डी क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। अब यहां पे देखिए कि हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आएगी, तो यहां पे देख के बोलिए कि क्या होता है, वन डायमेंशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में अडेड होते हैं। दैट मीन कि इनका जो डायरेक्शन है वो क्या है, रो वाइज है, एक तरीके से वन डायमेंशन है, हमें एक ही डायमेंशन मिल रहा है। तो वन डायमेंशन में जो स्फीयर्स होंगे आपस में, कोई दो स्फीयर जब टच कर रहे होंगे तो उनका एक यूनिक पॉइंट, दिस इज टचिंग पॉइंट, और इनके बीच का जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, दैट मीन कि कितने स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दो, तो इसकी कोऑर्डिनेशन कितनी हो जाएगी, वन डायमेंशन की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, दो। नाउ लेट्स वी सी हियर टू डी, टू डायमेंशन पैकिंग। अब हमारा टू डायमेंशन जो पैकिंग है वो बाय देयर टाइप दो टाइप से होता है। पहला जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर, स्क्वायर पैकिंग, और दूसरा जो टाइप होता है, ये हमारा पहला टाइप है, दूसरा जो टाइप है उसको हम बोलते हैं टू डी हेक्सागोनल पैकिंग। आप क्यों बोलते हैं वो यहां पे देख लेंगे डायग्राम के सहारे कि कैसे ये होता है। तो स्क्वायर पैकिंग में चलते हैं, तो स्क्वायर पैकिंग में एटम्स को अरेंज करते हैं, तो क्या करते हैं, पहले क्या होता है वन डायमेंशन में इस तरीके से मिलता है, तो हम वन डायमेंड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दैट मीन कि एक्स, अब यहां पे स्क्वायर जो हमें मिला है, दैट मीन कि हमें दो डायमेंशन मिला है, एक्स और वाई, एक्स के भी साइड जाएंगे और वाई के भी साइड जाएंगे, तो हम एक्स के साइड में चल रहे हैं। अब वाई के साइड में, ये हमारा एक्स का साइड हो गया, अब हम चलेंगे वाई के साइड में, तो दैट मीन इस स्पेयर के नीचे यहां पे, यहां पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से अगर ये फिगर आपको बनाना आ गया, नाउ यू कैलकुलेट वेरी इजिली कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पे इस तरीके से स्ट्रक्चर करते जाएंगे,
अब यहां से आप देख लीजिए, ये x साइड है, x एक्सिस साइड है और ये y एक्सिस साइड है। तो अब ये जो हमें स्ट्रक्चर मिल रहा है वो किस टाइप का मिल रहा है, किस टाइप का मिल रहा है हमें स्ट्रक्चर, हमें स्ट्रक्चर मिल रहा है स्क्वायर टाइप का। अब स्क्वायर टाइप का है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, जल्दी से बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर हम बोलते हैं सेंट्रल एटम को जितने एटम टच कर रहे हैं, दैट मीन कि उसके नेबरिंग नंबर ही उसकी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो ये हो गया। अब यहां से एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है और एक ये टच कर रहा है। अब इस फिगर को अगर मेंटेन करिए तो आपका स्क्वायर बन जाएगा। यहां पे स्क्वायर आपको दिख रहा है, स्क्वायर बन रहा है। इसलिए हम जो टू डायमेंशन पैकिंग होती है, जो हमारा टू डायमेंशन पैकिंग होता है, उस इस शेप को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। और इस टाइप की जो हमारी पैकिंग होती है उसको बोलते हैं हम स्क्वायर पैकिंग। तो अब हम निकालेंगे यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पे देखिए कितने एटम टच कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी, स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की। ये स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन टू डायमेंशन है। टू डायमेंशन में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया, 4। आप देखते हैं टू डायमेंशन इन हेक्सागोनल क्यों बोला जाता है, ये भी देखना है। तो ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम जैसे एक्स के साइड में हम गए तो 5 स्क्वायर यहां लगा दिया, अब वैसे ही यहां पे इसके सेंटर में 1, 2, 3, 4। आप फिर पैटर्न को फॉलो करेंगे, हमें मालूम है एक एक्स साइड मिलता है और दूसरा वाई साइड मिलता है। फिर हम इसके नीचे 1, 2, 3, 4, 5 और फिर यहां पे 1, 2, 3, 4। अब स्ट्रक्चर आपको शोन हो रहा होगा कि एक्स साइड में जो एटम अरेंज है और जो वाई साइड में एटम अरेंज है, हम उसको इजीली देख पा रहे हैं। तो यहां से देखिए ये क्या है, टू डायमेंशन हेक्सागोनल क्यों बोला जाता है, दैट मीन कि यहां से देखिए ये हो गया अगर हमारा सेंटर एटम, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये हमें यहां पे क्या मिल रहा है, 6 स्फीयर इसको बाउंड कर रहे हैं। दैट मीन कि अगर इस लाइन को आप मिलाइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें शोन होता है टू डायमेंशन हेक्सागोनल पैकिंग में। तो अब इसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लें कि टू डायमेंशन हेक्सागोनल पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो यहां पे देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कितने एटम टच कर रहे हैं, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6। सबसे इंपॉर्टेंट है फिगर, जैसे ही आपको फिगर बनाना आ गया, डायग्राम बनाना आपको आ गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्यूशन। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको इजीली पता चल जाएगी कि हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेटेड व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 2D पैकिंग, 3D पैकिंग, 1D पैकिंग। तो 1D पैकिंग आपने यहां पे करी, 1D पैकिंग का आप निकाला कोऑर्डिनेशन नंबर 1 डायमेंशन में आपको कितना मिला, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। और जैसे ही आपने टू डायमेंशन पैकिंग में गए, टू डायमेंशन क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर हमें दो टाइप का मिला, एक मिला स्क्वायर और दूसरा मिला हमें हेक्सागोनल। अब हम देखते हैं तीसरा टाइप, फटाफट इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहां से हट जा रहा हूं, और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं 3D, जो हमारा 3 टाइप का होता है, AA स्ट्रक्चर, AB स्ट्रक्चर और ABC स्ट्रक्चर। हाउ इट विल बी कोऑर्डिनेशन नंबर शुड कैलकुलेटेड विथ 3D डायमेंशन, वी कैन इजिली कैलकुलेट।
जैसे हमने एज वेल एज कैलकुलेटेड टू डायमेंशन, वैसे ही हम 3D डायमेंशन को भी देख लेंगे। तो यहां से देख लीजिए, स्क्वायर पैकिंग, टू डायमेंशन हेक्सागोनल पैकिंग क्यों बोली जाती है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जब स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर हमारा शो हुआ, हमें क्या मिला, हेक्सागोन मिला, और हेक्सागोन के जितने भी एटम्स, नियरिंग एटम्स थे वो कितने थे, 6 थे, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 आया। तो चलिए देखते हैं 3D पैकिंग कैसे होती है और क्या होती है। तो जैसे पहले बताया कि जो 3D पैकिंग होती है, देयर आर 3 टाइप। जो पहला टाइप होता है सिमिलर होता है, एक जैसी लेयर होती है इसकी। दैट मीन कि अगर हम, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ए ए ए टाइप, दैट मीन कि जो उसकी तीनों लेयर है वो क्या है, सिमिलर है एक दूसरे से, तो ए ए ए टाइप दिया हुआ है। और जब लेयर डिफरेंट होंगी, दैट मीन कि उसकी फर्स्ट लेयर अलग है, सेकेंड लेयर अलग है, फिर थर्ड लेयर सेम है, उसके बाद फोर्थ जो उसकी लेयर है फिर डिफरेंट है। तो ऐसे ही जो टाइप होते हैं उसको हम बोलते हैं ए बी टाइप। और जो तीसरा होता है हमारा वो होता है ए बी सी टाइप। दैट मीन कि जो फर्स्ट लेयर है वो सेकेंड से डिफरेंट है, और जो सेकेंड लेयर है वो थर्ड से डिफरेंट है, और जो थर्ड लेयर है फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर दोनों से क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो लेट्स बी स्टार्ट। यहाँ पे पहला जो हमारा ए ए टाइप होता है 3D पैकिंग में, इसको हम बोलते हैं 3D स्क्वायर पैकिंग। क्या बोलते हैं, 3D स्क्वायर पैकिंग। हाउ इट विल बी डन इट लेट अभी बताऊंगा आपको, देख लेना। सेकेंड जो हमारा है वो होता है ए बी टाइप, जिसको हम बोलते हैं 3D हेक्सागोनल। पहला हमारा क्या है, 3D स्क्वायर पैकिंग, और जो हमारा दूसरा है ए बी। अब यहां देख लीजिए, यहां जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है और पूछा जाता ही है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि ए बी, दैट मीन की जो फर्स्ट लेयर है, यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर है वो सेकेंड लेयर से डिफरेंट है, और जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट से सिमिलर है। दैट मीन, कहने का मीन्स है कि जो पहली लेयर है वो तीसरी लेयर के सिमिलर है, और जो फोर्थ लेयर है वो सेकेंड लेयर के सिमिलर है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, 3D हेक्सागोनल पैकिंग या 3D HCP हेक्सागोनल पैकिंग, हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग इसे बोलते हैं, क्यूबिक पैकिंग भी बोल देते हैं, क्लोज्ड पैकिंग भी बोल सकते हैं, HCCP भी बोल सकते हैं, हेक्सागोनल क्लोज्ड क्यूबिक पैकिंग। अब तीसरा जो हमारा होता है ABC टाइप। अब ABC टाइप का मीन्स है कि जो फर्स्ट लेयर है वो क्या है, सेकेंड से डिफरेंट है, और जो सेकेंड है वो थर्ड से डिफरेंट है। अब थर्ड जो है इन दोनों से ही डिफरेंट है, दैट मीन कि तीनों लेयर क्या है हमारी, डिफरेंट है। तो इसको हम बोलते हैं 3D HCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, या इसको बोल देते हैं CCP क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। चाहे तो आप बोलिए फेस सेंटर्ड, चाहे तो आप बोलिए क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, 3D क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे हम इसको करेंगे। तो लेट्स बी स्टार्ट। यहाँ पे जो हमारा 3D स्क्वायर पैकिंग है, तो पहले 3D बनाने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2D तो बनाओ, तो 2D बनाएंगे जब तो 3D बनेगा। तो 2D का मतलब क्या है कि फर्स्ट लेयर, यहां पे हमने बनाई फर्स्ट लेयर, और ये हमारा क्या हो गया, एच साइड हो गया। अब जो हमारा है बिल्कुल सिमिलर है, दैट मीन कि ए दूसरी लेयर भी ठीक सिमिलर है। तो ऐसे ही चलते जाएंगे, एक स्पीयर के नीचे दूसरा स्पीयर, एक स्पीयर के नीचे दूसरा स्पीयर, एक स्पीयर के नीचे दूसरा स्पीयर, ऐसे इस पैटर्न को क्या करते जाएंगे, फॉलो करते जाएंगे। गाइस ध्यान दीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको हम ऐसे फॉलो करते जाएंगे, एक स्पीयर के नीचे दूसरा स्पीयर। अब ध्यान से देखिए, जो ये स्ट्रक्चर शो हो रहा है ये क्या है, 2D स्क्वायर पैकिंग। 2D स्क्वायर पैकिंग करने का मीन्स है कि आपको एक डब्बा मिला, अब डब्बे में आपने, अब डब्बा देखने में तो थोड़ा बहुत ऊंचा होगा, तो नीचे जो लेयर्स ऑफ लड्डू है
तो उस लेयर को आपने कैसे मेंटेन किया, इस टाइप से आपने इसको क्या कर दिया, मेंटेन कर दिया। अब जो फर्स्ट लेयर है वो कंप्लीट हो गई, तो ये तो हो गया 2D। दैट मीन कि हम एक्स की तरफ चले और वाई की तरफ चल लिए। अब ये क्या है, 3D क्लोज्ड पैकिंग है। तो दैट मीन कि 3D जाने के लिए हमें एक्स गए वाई गए तो जेड के भी साइड हमें जाना पड़ेगा कुछ इस टाइप से, एक्स वाई जेड। दैट मीन ये हमारा एक्स, ये वाई, ये जेड। अब इसको एक्स लेते हैं तो ये वाई, ये जेड। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, दैट मीन कि जो हमारा अगला जो लड्डू होगा वो उसके ठीक ऊपर आएगा। दैट मीन कि एक लेयर आपने मेंटेन करी हुई है, दूसरी लेयर जैसे ही आप उसको 3D स्ट्रक्चर में लेके जाएंगे तो एक लड्डू के ऊपर दूसरा लड्डू आएगा। तो यहाँ पे उसको हम रख देंगे, छोटा स्ट्रक्चर करके दिखा रहे हैं, इसको देख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन सबके बीच में इनके ठीक ऊपर, अब ये छोटा कहने बनाने का मीन्स ये नहीं है कि ये क्या है छोटा है, उतना ही बड़ा है, इसके ही ऊपर रखा गया है। दैट मीन कि एक लड्डू के ऊपर दूसरा लड्डू रखा गया है। तो इस टाइप से फिगर हमें शोन होता है। तो हम इस टाइप के फिगर को क्या बोलते हैं, 3D स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। इस टाइप का अब जो हमारा ये डायग्राम शो कर रहा है वो क्या हो गया, 3D स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमने अब जेड की भी तरफ चल लिया। दैट मीन कि अब हमारा जो फिगर है वो बिल्कुल डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, 3D का हो गया, एक लेयर पे दूसरी लेयर आते ही 3D हो गया। तो इस टाइप का अब जो डायग्राम है ये, इस डायग्राम को क्या बोलते हैं, 3D क्लोज्ड पैकिंग। अब इसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। तो जनरल सी बात है, हम क्या करते हैं उसके नियर किसी भी एटम को ले लीजिए, जैसे मैं इसको ले रहा हूं तो इसके नेबरिंग हो जाएंगे ये, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो देखिए 1, 2, 3, 4 और एक जो आपका ये है पांचवा, इसके ऊपर भी एक लड्डू है, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर आई निकल के वो क्या हो गई, 3D स्क्वायर पैकिंग में 6 आएगी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर शोन हो रहा है हमें कहां पे, एक स्पीयर पे दूसरा स्पीयर, जस्ट एज इज इट पॉसिबल इट कैन बी पुटेड लाइक वाइज। दैट मीन कि जैसे एक रखा है वैसे ही दूसरा रखा हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी आ गई 6। अब हम देखेंगे ए बी टाइप, जिसको हम बोलते हैं 3D SCP। अब इसका बेस क्या था हमारा, 2D स्क्वायर पैकिंग। तो इसका क्या लेंगे हम, 3D SCP के लिए हम बेस क्या लेंगे, तो 3D SCP के लिए हमारा जो 2D हेक्सागोनल पैकिंग है उसको हम बेस लेते हैं। तो 2D हेक्सागोनल पैकिंग को बनाने के लिए हम कैसे करते हैं, सबसे पहले एक, अब मैं यहां थोड़ा सा दूर बना रहा हूं, 2, फिर से देख लीजिए, अब इसके ठीक बीच में एक, इन दोनों के बीच में एक और इन दोनों के बीच में एक। अब यहां पे सेम ठीक इसके नीचे एक, इसके नीचे एक और एक एक इसके नीचे, अब ठीक इसके नीचे एक, इसके नीचे एक और ठीक इसके नीचे एक। तो ये हमारा क्या है, 2D हेक्सागोनल पैकिंग का स्ट्रक्चर है। अब इससे हम निकालने वाले हैं 3D स्ट्रक्चर ऑफ क्लोज्ड पैकिंग। तो 3D इसको क्लोज करने के लिए सबसे पहले यहां पे देखिए, 3 अलग से बना देता हूं, यहां पे देख लीजिए 1, 2 और 3। तो इसके बीच में ये गैप निकल के आ रहा है, ये गैप, तो इस गैप को हम बोलते हैं
trigonal voids. That means कि ये जगह जो फिल नहीं हो पाई है, हमारी जो खाली जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, voids बोलते हैं. तो ये जो हमारा वो इनके बीच में जो गैपिंग हमको मिलती है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल वॉइड्स. आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मेमोराइज करते रहिएगा. देखिए कि कैसे 3D SCP हमारा मेड आउट होता है. अब ये जो ट्राइगोनल है इसको अब हमें मालूम है कि हमारा क्या है, 3D SCP है. तो दैट मीन की 3D SCP है, हेक्सागोनल है. दैट मीन की इन तीन के नीचे भी तो तीन होंगे. दैट मीन की जो स्ट्रक्चर ये शोन हो रहा है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं. यहाँ पे देख लीजिए, ये थ्री बॉल्स और इसके नीचे एक बॉल्स, उसके ऊपर ये जो गैप फाउंड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं. जो फोर्स बॉल्स के बीच में क्या होता है, बनता है. अब इस टेट्राहेड्रल को हम टी से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे इन तीनों के बीच में गैप फाउंड हुआ, टेट्राहेड्रल. इन तीनों के बीच में टेट्राहेड्रल, इन तीनों के बीच में, इन तीनों के बीच में फाउंड हुआ, इन तीनों के बीच में फाउंड हुआ, इन तीनों के बीच में फाउंड हुआ, इन तीनों के बीच में फाउंड हुआ और ये फाउंड हुआ. अब हम इसको क्या कर रहे हैं, जितने भी हमें टेट्राहेड्रल्स वॉइड्स मिले हैं हम इनको क्या कर रहे हैं, कवर्स कर रहे हैं. तो इनको देख लीजिए, ये कवर किया, ऐसे कवर्स कर लेंगे. टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमने कवर कर लिए. अब इनको क्या कर दे रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट दिखें इस वजह से सेट कर दे रहे हैं. सेट कर दिया. ये हमारा हो गया टी पॉइंट्स, ठीक है. तो ये है हमारा इस टाइप का जो क्लोज पैकिंग होता है उसको हम बोलते हैं 3D HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. इस टाइप का जो हमें फिगर पता चलता है. अब यहाँ पे देख लीजिए कि इसको AB टाइप क्यों बोलते हैं. तो यहाँ देखिए, AB से डिफरेंट है, B डिफरेंट है A से, A डिफरेंट B, B डिफरेंट A. यहाँ जितने भी स्ट्रक्चर आपको शोन हो रहे हैं सारे डिफरेंट है AB, तो इसको हम AB पैकिंग भी बोलते हैं, AB क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं. अब कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेंगे, अभी दोनों का एक साथ देख लेंगे कैसे कैलकुलेट करना है. दिस इज वेरी इजी, बट दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको स्ट्रक्चर NCERT में भी बना है. NCERT की बुक में देखेंगे तो आपको स्ट्रक्चर शोन होगा एज यूजुअल. और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के उद्देश्य से कि कैसे हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. अब देखिए, ABC क्लोज पैकिंग. अब इस ये हमारा क्या होता है, 3D फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, या हम इसे क्लोज क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं. तो यहाँ पे जो हमें वॉइड्स मिलते हैं, तो यहाँ जो वॉइड्स हमें मिलने वाले हैं, आप देखिए 1, 2, 3 बॉल्स. 3 बॉल्स के बीच में हमें अभी गैप मिला था, तो 3 बॉल के बीच में जब गैप मिला तो हमने बोला ट्राइगोनल. और फिर जैसे ही 4 बॉल्स के बीच में गैप मिला कि 3 नीचे है, 3 ऊपर, 1 बीच में है, सेंटर में, तो जो गैप फाउंड हो रहा है उसको हम बोलते हैं 4 बॉल्स के बीच में टेट्राहेड्रल. और यहाँ पे अब देखिए जो अरेंजमेंट है स्फीयर का, बिल्कुल हमारा 3D है. अब इसके बीच में एक एक स्फीयर और अटैच्ड हो जाएंगे. तो इनके बीच में ये जो गैप फाउंड होता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
यहाँ पे तीन स्फीयर हैं, तीन स्फीयर के बीच में एक एक गैप और हम भर सकते हैं स्फीयर्स का, तो इसके बीच में सिक्स बॉल्स के बीच में जो गैप फाउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बोलते हैं। इसको अगर हम ओ से रिप्रेजेंट करें कि ओ से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी हमारा जो ऑक्टाहेड्रल गैप है वो ये है। यहाँ पे भी सिक्स स्फीयर्स, इसके बीच में देखिए ऑक्टाहेड्रल और यहाँ भी सिक्स है तो ये हमें मिल गया ऑक्टाहेड्रल। अब इसको हम शेड कर देते हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा, कवर्स कर रहे हैं जितने भी हमें ऑक्टाहेड्रल मिले हैं। अभी थोड़ा सा अजीब सा हो गया है लेकिन आप बुक में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑक्टाहेड्रल गैप्स सिक्स बॉल्स के बीच में क्रिएट होते हैं जो फेस सेंटर्ड या क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स को शोन होते हैं। तो अब यहां जो आप ये स्ट्रक्चर देखिए ए बी सी पैकिंग क्यों बोलते हैं कि ए डिफरेंट है यहां बी से, ए जो है हमारा बी में हमें कैसा गैप मिला, टेट्राहेड्रल गैप मिला बी में, और सी में हमें क्या मिला, ऑक्टाहेड्रल मिला, और ए में जो हमें गैप मिला वो क्या था, ट्राइगोनल था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ जो गैप फाउंड होता है तीनों के बीच का वही क्या करता है, इनके पैकिंग को दिखाता है, एक तरीके से शो करता है। तो यहाँ पे ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपको समझ में ना आए। एनसीईआरटी बुक से आप मैच करके इसको क्या करेंगे, एक एक डेफिनेशन को देख लेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी टू यू। नाउ अब इसको हम क्या बोलते हैं, एबीसी कोऑर्डिनेशन नंबर आर इक्वल, डिफरेंट है बी से, बी डिफरेंट है सी से, और ठीक इसी तरीके से देखते जाइए ए बी सी। तो आपको ये पता चलेगा कि एबीसी पैकिंग क्या होती है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यहां से आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पैकिंग जो होती है वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट वी मूव ऑन अनदर। नाउ कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।